जो स्टार्टिंग प्राइस है इसकी 6500। ये प्रो है, सेकंड जनरेशन है, ये 2017 मॉडल है, 64 GB के साथ है, सिम वाला वेरिएंट है, पीटी अप्रूव है। अस्सलाम गाइस, हमजा इधर, कैसे हो आप सब। आज के इस व्लॉग में गाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी आपकी आईपैड्स के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊं, तो गाइस ये जो व्लॉग है वो टोटली आईपैड्स के बारे में होने वाला है और जिस जगह मैं आपको लेके जा रहा हूँ वहाँ पे पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कम रेट मिला मुझे आईपैड्स का। और अगर आपने कोई भी आईपैड बाय करना है या इन जनरल कोई भी टैबलेट बाय करना है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, वहाँ से आप बाय कर सकते हो और एज़ कम्पेयर टू द मार्केट वहाँ का जो रेट है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, प्लस वारंटी वगैरह ये सारी चीज़ें भी वो देते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं उनकी शॉप पर एंड देखते हैं कौन कौन से आईपैड्स हैं उनके पास और कौन कौन से टैबलेट्स अवेलेबल हैं उनके पास फॉर माय ऑडियंस। एंड वन मोर थिंग, प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं क्रिप्टो के बारे में भी बताऊंगा, जस्ट थोड़ा सा वेट कर लो, मैं क्रिप्टो के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ बड़ी जल्दी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब किया होगा तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उस वीडियो का। तो चलिए फिर मैं आपको लेके चलता हूँ उनकी शॉप पर एंड देखते हैं कौन से आईपैड्स किस प्राइस में हमें मिलेंगे। गाइस अभी मैं व्लॉग करने जा ही रहा था बट रास्ते में मैंने सोचा कोई चीज़ खा लेते हैं और यहाँ पे मेरे बैग पे देख सकते हो ये एक रेस्टोरेंट काइंड ऑफ है, टी वाला इसका नाम है, यहाँ के जो बर्गर हैं वो बड़े मज़े के हैं, तो पहले हम कुछ खाते हैं यहाँ से एंड उसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगा उस शॉप पे जो कि आईपैड की है होलसेल की। तो चले फिर यहाँ पे पहले कुछ खाते हैं देन हम चलते हैं। ओके गाइस, तो आप मेरे बैग पे देख सकते हो यहाँ पे मैं इनके वेयर हाउस आ चुका हूँ और यहाँ पे जो टैबलेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं इनके पास, आईपैड्स भी हैं, एंड्रॉयड टैबलेट्स भी हैं और आईपैड्स में भी जितनी टाइप्स आती हैं वो सारी ही यहाँ पे मिल जाएंगी आपको और इनकी मिनिमम रेंज क्या है, इनकी मैक्सिमम रेंज क्या है, वो सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। आईपैड्स बेसिकली आईपैड्स की तीन सीरीज़ होती हैं, एक इसकी सिंपल जनरेशन होती है जिसमें 2, 3, 4, 5 जो को सेकंड थर्ड जनरेशन भी कहते हैं, और दूसरी सीरीज़ में एयर की आती है और फिर प्रो सीरीज़ भी आती है इसके अंदर। हमारे पास तीनों सीरीज़ अवेलेबल हैं, चौथी इसमें मिनी आती है वो इस टाइम अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट स्टॉक में आएगी तो वो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास आईपैड्स अवेलेबल है इनमें मिनिमम किस रेंज में आपके पास आईपैड है? जो हमारे पास वैरायटी स्टार्ट हो रही है आईपैड की, वो आईपैड सेकंड जनरेशन से स्टार्ट हो रही है, ये 16 GB भी है इसमें, 32 GB भी है, 64 GB भी है, तो स्टार्टिंग प्राइस है इसकी 6500 से स्टार्ट हो रही है। तो ये है वो आईपैड जिसकी प्राइस? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए, उनको यूट्यूब किट्स चल जाती है इसके अंदर, जूम क्लासेस वगैरह को छोटी मोटी ऐप्स चल जाती हैं, मिनिमल यूज़ के लिए होता है इसमें। इसके बाद फिर आईपैड 3 है, आईपैड 3 हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 9000 से, फिर इसके ऊपर इसकी जो प्राइसेस जाएंगी वो कंडीशन के हिसाब से और वेरिएंट के हिसाब से 32 GB 64 GB उसके रेट मुख्तलिफ होंगे। नेक्स्ट आएगा आईपैड एयर 1 है, वो ये वाला पड़ा हुआ है आईपैड एयर 1 है, इसके ये जो हमारे पास है इसमें 16 GB भी है, 32 GB भी है, 64 GB भी है, ये जो इसकी प्राइस स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है 17000 से, 17000 रुपये से प्राइस स्टार्ट हो रही है। अच्छा इसमें मैं बता दूँ, इसमें हमारे पास जो पीसीज होते हैं सॉफ्टवेयर अनलॉक भी होते हैं, फैक्ट्री अनलॉक भी होते हैं, कंडीशन के हिसाब से रेट्स होते हैं सारे इसके, जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 17000 रुपये है। अच्छा नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास यह है आईपैड एयर टू है, इसमें भी हमारे पास 16 GB भी है, 64 GB भी है, 128 GB भी है, इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो इसकी जो प्राइस स्टार्ट हो रही है वो 25000 से स्टार्ट हो रही है। इसमें iOS लेटेस्ट है, iOS 15 के साथ है, यानी कि जो लेटेस्ट iOS चलेगा वो वाला अगर किसी ने टैब लेना है तो हाँ मिनिमम प्राइस 25000 है। ठीक है, और यही टैब मार्केट में कितने तक का सेल? अच्छा ये हमारी गारंटी है इंशाल्लाह, ये जो हम 25 पर दे रहे हैं आपको 32 का भी नहीं मिलेगा मार्केट से। इसके बाद फिर हमारे पास आईपैड 5th जनरेशन है, 6th जनरेशन है, 5th भी है इसमें, 6th ये भी पड़ी हुई है इसमें, 5th जनरेशन 6th जनरेशन है, इसकी भी जो 5th जनरेशन की प्राइस स्टार्ट हो रही है वो 32000 स्टार्ट हो रही है, 32 GB भी आता है इसमें, 128 GB भी आता है, और जो प्राइस स्टार्ट हो रही है वो 32000 रुपये से स्टार्ट हो रही है इसकी। ठीक है, इस तरह 6th जनरेशन है उसकी प्राइस स्टार्ट हो रही है 35000 से, 35000 रुपये से। नेक्स्ट इसमें हमारे पास प्रो सीरीज आ जाती है, ये प्रो है, सेकंड जनरेशन है, ये 2017 मॉडल है, 64 GB के साथ है, सिम वाला वेरियंट है, पीटी अप्रूव है,
ये आपको मिल जाएगा सिर्फ 70,000 में, 70,000 रुपये में जी। इसके बाद फिर हमारे पास ये सीरीज आ जाती है, ये भी 2017 मॉडल है, सेकंड जनरेशन में है, 13 इंच के साथ है। ये 10.5 था, ये 13 इंच के साथ है जिसको 12.9 कहते हैं। ये 256 GB में है, इसकी भी हमारे पास क्वांटिटी पड़ी हुई है, ये आपको मिल जाएगा 75,000 में। आपके जो रेट है इनमें नेगोशिएशन हो सकती है कि फाइनल? अच्छा, ये जो रेट्स होते हैं ना, ये हम ऑलरेडी ये बहुत रीजनेबल दे रहे हैं, इससे मजीद गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर किसी में 19-20 हुई तो इंशाल्लाह कर देंगे आपको। नेक्स्ट हमारे पास इसके इसमें आता है एप्पल में प्रो 4 जनरेशन 4, ये 13 इंच के साथ है, ये 512 GB के साथ हमारे पास है, वाईफाई वेरियंट है, ये आपको मिल जाएगा 150 का जी, ये 1,50,000 रुपये का। हाँ जी, ये हाँ जी, हाँ जी, ये ऑन में है, ये दूसरा इसके दूसरा कलर है, वो सिल्वर कलर था, ये स्पेस ग्रे है। सेम प्राइस है जी? सेम प्राइस है बिल्कुल। ये मार्केट में कितने तक का सेल हो रहा है सर? ये मार्केट में तो इसकी प्राइसेस ज़्यादा हैं, इसकी 170-175 तक प्राइस। ये बेसिक आपको पता है कि जो आईपैड की प्राइसेस होती है, बात जगह कहेंगे जी ये मार्केट में सस्ता सेल हो रहा है, वो बेसिकली 128 GB का होता है। आपको पता है कि जी अगर आईफोन के अंदर 128 GB और 256 GB में कितना 10-15,000 का फ़र्क होता है। ये 512 GB वाला वेरियंट है, इसमें जो हमने 128 GB वाला सेल करते हैं वो सस्ता सेल करते हैं, वो 125-130 का सेल होता है। ठीक है जी। ये सेलुलर है? ये वाईफाई वाला वेरिएंट है, सेलुलर नहीं है। इसके अलावा हमारे पास ये कुछ लिनोवो के वेरिएंट्स लगे हुए हैं, लिनोवो में इसके लिए हमारे पास सीरीज सारी पड़ी हुई है, टैब 4 एम सीरीज़ होती है, इसकी पी सीरीज़ होती है, सारी अवेलेबल है। इस तरह सैमसंग में हमारे पास टैब एक टोटल सीरीज़ अवेलेबल है, टैब एस की सीरीज़ है, ये S3 पड़ा हुआ है, S4 है, ये S5V गोल्डन कलर में लगा हुआ है, S7 Plus, ये हमारे पास बहुत ही प्यारा वेरिएंट, ये देखें आप, लगा हुआ है बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के साथ है। इस तरह लिनोवो की, हवावे की, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी के सारे सीरीज आपको मिल जाएंगे। अगर हम डिटेल में जाएंगे तो आपका व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके क्या प्राइस है? और अच्छा, ये S7 Plus है, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, 120Hz डिस्प्ले के साथ है, ये आपको मिल जाएगा 95,000 का। ये सिम वाला वेरिएंट है? ये विदाउट सिम है, वाईफाई वाला वेरिएंट है जी। इस तरह ये S5V है, ये 6 GB रैम के साथ है, 128 GB मेमोरी है, ये वाला पीस है देखें, ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये आपको मिल जाएगा सिर्फ 48,000 का, बहुत ही प्यारा पीस है। अच्छा, आपके पास जितने भी ये टैबलेट्स या आईपैड्स होते हैं अवेलेबल, ये किट्स में होती हैं, इनके साथ बॉक्स वगैरह नहीं होता? अच्छा हाँ जी, ये किट्स होती है। अच्छा, असल में ना हमारे जो ऑडियंस है वो से समझ लूँगी, किट्स जैसे रिफब टैबलेट्स को कहते हैं, ये हमारे जो टैबलेट्स में है ना, ये इसको किट्स को वो रिफब नहीं कहते, इसमें रिफब वाले भी आते हैं, जो रिफब वाले होंगे हम उनको बता के देंगे। ये बाकी ओरिजिनल अक्सर डेमो के पीसेज होते हैं, और जो अक्सर होते हैं ना वो यूज्ड स्टॉक में आता है, ओरिजिनल कंपनी यूज्ड स्टॉक होता है, इसमें रीफअप चीज़ें नहीं होती। जो रीफअप होगा हम उनको बता के देंगे ये रीफअप हुई हुई चीज़ है। तो यानी कि जितने भी आपके पास पड़े हुए ये ओरिजिनल टैबलेट्स, हाँ जी, ओपन रिपेयर जो होंगे वो बता के देंगे कि ओपन रिपेयर है, उसके रेट्स कम होते हैं दूसरों से। रीफर भी आपके पास अवेलेबल है? जी, रीफर भी आते हैं, जो छोटे मॉडल होते हैं उसमें रीफर भी आते हैं, लेकिन वो रीफर यहाँ के लोकल रीफर नहीं होते, वो कंपनी रीफर स्टॉक होता है। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ी सी और डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। जो आपके पास या इन जनरल जितने भी टैबलेट्स पड़े हुए हैं, मतलब आईपैड्स होते हैं, अब लोग समझते हैं कि जो आईपैड होता है उसमें सिम चलती है, उसे हम कॉलिंग भी कर सकते हैं, इसको जरा डिटेल में बताइएगा। जो आईपैड की सिम होती है वो क्या? हाँ जी, आईपैड की सिम सिर्फ डाटा यूज़ के लिए होती है, आप उसमें सिर्फ इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप कॉल नहीं कर सकते किसी भी आईपैड में। और सेकंडली ये भी बता दूं, आईपैड किसी भी आईपैड में व्हाट्सएप नहीं चलती, आईपैड में व्हाट्सएप भी नहीं चलती। बाकी इसके अलावा लेटेस्ट आईपैड भी है, जैसे प्रो है, इसमें भी व्हाट्सएप नहीं चलती जी। तो इन योर ओपिनियन, जो बंदा आईपैड ले रहा है उसको पीटीए अप्रूव्ड इतना ज़्यादा टैक्स हो चुका है करवाना चाहिए? नहीं, बेवकूफ़ी है, एक ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, अगर आपने इसी को सिर्फ डाटा सिम के लिए प्रूव कराना, आपको इजीली मार्केट से जैस की डिवाइस और टैजोंग की डिवाइस इजीली मिल सकती है आपको, और हर बंदे के पास आजकल स्मार्टफोन होता है, उसमें डाटा पैकेज करवाया होता है, वो उसे हॉटस्पॉट करके इसको चला सकता है, उसकी ज़रूरत ही नहीं, ना उसका कोई फ़ायदा है। सही। अच्छा, आपके पास जो स्टार्टिंग होती है आईपैड की, वो मिनिमम क्या प्राइस है? अच्छा, मिनिमम प्राइस हमारे पास स्टार्ट हो रही है 6,500 से, और मैक्सिमम जा रही है हमारे पास 180 तक। अब 180 मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ दिनों में हमारे पास आईपैड प्रो M1 चिप वाला स्टॉक आ रहा है, जब आपकी वीडियो लगेगी तब तक हमारे पास आ चुका होगा स्टॉक। ठीक है, तो अगर मेरे रेफरेंस से कोई आपकी वीडियो देख रहा था तो उसको थोड़ा सा स्पेशल कोई? अच्छा, ये जो रेट्स दिए हैं मैंने स्पेशल आपके ही लिए दिए हैं, अदरवाइज आप जो है वैसे अगर हम आपसे रब्ता करेंगे या हमारे पास आते हैं तो हमारे प्राइसेस ज़्यादा है इससे। ये जो रेट्स दे रहा हूँ ये स्पेशल आपके आपके जो है ना आपके ऑडियंस के लिए दे रहा हूँ। अच्छा, आपके ओपिनियन में सबसे बेस्ट किसी ने अगर बजट में आईपैड लेना तो वो कौन सा है? अच्छा, सबसे जो कम बजट में आईपैड आएगा ना, जिसके अंदर iOS लेटेस्ट है, क्योंकि पुराने iOS ले लेंगे तो फ़ायदा ही नहीं। ये हमारे पास पड़ा हुआ iPad Air 2 है, ये मिनिमम बजट के अंदर आएगा आपके, 30,000 के बजट में आएगा, और ये iOS 15.3.1 की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके साथ है।
तो ये कम अज कम ये लेंगे तो इसमें इंशाल्लाह आपको किसी किस्म कोई मुश्किल नहीं आएगी। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑल ओवर पाकिस्तान कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, तो कस्टमर जो भी चीज़ उनको पसंद है या कोई भी चीज़ लेना चाहता है उनको चीज़, तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर आप उनको डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा, तो वो वहाँ पर रब्ता कर लें हमसे, इंशाल्लाह कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी। हम ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में डिलीवर कर रहे हैं, यदि आप स्लिप्स चेक कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी उसके स्लिप्स हैं, TCS की MNP की स्लिप्स हैं, हम ऑलरेडी डिलीवर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आपके भी रेफरेंस के कस्टमर आएगा उसको भी इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स मिल दिया जाएगा इंशाल्लाह। ये जो टैबलेट्स पड़े हैं या आईपैड आपसे कोई बाय करता है तो उसको कोई वारंटी मिलेगी? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सुन्नत के मुताबिक 3 दिन के अंदर चीज़ पसंद ना आए वापस करना चाहें किसी भी सूरत में, तो इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर वापसी भी हो जाएगी, तब्दीली भी हो जाएगी, और 7 दिन के अंदर अंदर किसी किस्म का कोई चीज़ में मसला है, हार्डवेयर का इशू है, सॉफ्टवेयर का इशू है, इंशाल्लाह चीज़ उसको रिप्लेस हो जाएगी। और जो आउट ऑफ सिटी से डिलीवरी वाले हैं, जब उनको पार्सल वहाँ पे पहुँचेगा उसके बाद उनकी जो वारंटी है वो स्टार्ट होगी। तो गाइस होपफुली आपको इस व्लॉग से कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिला होगा, और इस व्लॉग को बनाने का मेरा मकसद ये था मैं किसी शॉप पे भी जा सकता था, बट शॉप के जो प्राइस मैंने देखे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और इनके यहाँ से अगर आप कोई भी बाय करते हो एज़ कम्पेयर टू दी शॉप, मुझे इनके जो प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल लगे हैं। बाकी जब आपने आना है तो डेफिनेटली आप चेक भी करोगे और आप अपनी भी सेटिस्फेक्शन जो है वो करोगे। तो यही सारे यहाँ पे टैबलेट्स हैं, एंड आई होप गाइस ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।